मध्य प्रदेश में संघ की शाखाओं को बैन का मुद्दा गरमाने लगा है, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसी में भी दम नहीं है कि वो आरएसएस की शाखाओं पर प्रतिबंध लगवा सके। देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी में अब की बार संघ पर आर पार, संघ की शाखाओं पर फिर शुरू हुई सियासत। लोकसभा से पहले कांग्रेस को याद आया वचन, मध्य प्रदेश में संघ पर महाभारत। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर मध्य प्रदेश के सरकारी संस्थानों में संघ की शाखाओं पर प्रतिबंध लगाने का मुद्दा गर्मा गया है, जिसे लेकर सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसकी कोशिश स्वर्गीय पूर्व पीएम इंदिरा गांधी कर चुकी हैं। समय समय पर सरकारें कोशिश कर चुकी, लेकिन किसी में दम नहीं है कि संघ की शाखाओं को रोक पाए। ये आज से नहीं हो रहा, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कोशिश कर चुके, स्वर्गीय इंदिरा जी कोशिश कर चुकी, बाकी सरकारें समय समय पर यह कोशिश करती रही कि संघ के काम को वो प्रतिबंधित करें। किसी में ये दम नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं को रोक पाए या बढ़ते काम को रोक पाए। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में सरकारी संस्थानों में संघ की शाखाओं को बैन करने का वचन दिया था, जिस पर काफी विवाद भी हुआ, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अभी तक संघ की शाखाओं को बैन नहीं किया गया। लिहाजा लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही फिर से संघ की शाखाओं के इर्द गिर्द सियासत घूमती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।